हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम अनुराग पंडा एंड यू आर वाचिंग एवरेज अनुराग। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। आई प्रिपेयर्ड फॉर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 3 times, जस्ट आई कुडंट क्वालिफाई द फाइनल एग्जाम, सो आई अपीयर्ड फॉर उड़ीसा इंजीनियरिंग सर्विस। स्टेट में मेरा रैंक 4 था एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। बेसिकली मैं एक लॉन्ग टाइम फिटनेस एंथुजियास्ट हूँ और बहुत दिन से वर्कआउट कर रहा हूँ। पढ़ने के टाइम भी मैं आई थिंक डेली 1.5 hours के आसपास जिम जाता था और 6 साल हो गया, आई थिंक 6.5 years हो गया मैं कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहा हूँ। सो मतलब एक प्री वर्कआउट मील जो होता है ना, वो मुझे ना कभी सही से नहीं मिला। मैं पहले ना वीडियोस बहुत सारा देखा करता था, तो यूट्यूब पे बहुत सारे जो फिटनेस यूट्यूबर्स हैं वो बाहर के हैं, फॉरेन के, तो उनके वीडियोस में जो प्री वर्कआउट पे डाइट रहता है उनका चीजें यहाँ पे मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फाइनली मैंने ये कंक्लूजन पे पहुंचा कि यूट्यूब पे ढंग का वीडियो है ही नहीं कि जो आपको सिंपली बता दे कि कितना क्या लेना है। मतलब मेरा बॉडी वेट इतना है और मैं सिंपली इतना ले लूँ तो काम बन जाएगा। पर्टिकुलरली ये मील जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो आई थिंक मैं 1.5 साल से ले रहा हूँ और ये हर बार काम करता है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। तो इसके लिए ना आपको पहले एक चम्मच चाहिए, फिर उसके बाद 4 चीजें चाहिए। आप याद रख लो, ओट्स तो एक चाहिए होगा, कुछ भी ब्रांड का एक ओट्स ले सकते हो, प्लेन ओट्स, फिर हुए प्रोटीन, कोई ब्रांड, अनफ्लेवर्ड भी अच्छा है लेकिन थोड़ा टेस्ट ऐड करने के लिए मैं फ्लेवर्ड ले रहा हूँ इसमें, फ्लेवर्ड ही लेना, ओट्स तो ऐसे ही मतलब टेस्टलेस। फिर ना पीनट बटर मैं क्रंची यूज करता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा क्रंची पिंटो लगा, कोई ब्रांड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये केला ले लो एक छोटा सा, इससे थोड़ा बड़ा भी चलेगा, इससे छोटा मत लेना, इतना साइज का लेना, इससे वो आपको अभी कितना कितना लेना है मैं आपको एक थंब रूल देता हूँ। सपोज मेरा बॉडी वेट, मैं भी बल्किंग पे हूँ, मेरा 73 kg के आसपास बॉडी वेट है, तो मैं 73 grams ही ओट्स लूंगा, प्लेन ओट्स 73 grams। अगर आपका 80 kg है आप 80 grams ओट्स ले सकते हो। 90% ऑफ द टाइम आई कैन गारंटी यू ये फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा है काम। कितने टाइम पे ले रहा है मैं आपको बताता हूँ। पहले ना आप मेजर कर लेना, ये देखो, हाँ अपना वेइंग स्केल एक रख लेना, 400-500 का आता है, फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं भी मिल जाएगा। अदरवाइज मैं जो नॉर्मल हुए का स्कूप आता है ना, उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि कितने स्कूप लेने से आसपास 70 grams हो रहा है। तो उस हिसाब से आपका अगर 80 kg है तो उस हिसाब से देख लेना, थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो। तो ये देखो, ये मैं डाल रहा हूँ अभी ना, मैं एक प्रोटीन स्कूप लेके आ जाता हूँ तो आपको पता भी चल जाएगा कि कितने स्कूप में आसपास अप्रोक्सीमेटली 70 grams हो रहा है। तो पहले ना मैं ओट्स को इस स्कूप में डालूंगा पहले, फिर ना नीचे डालूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने स्कूप। ये नॉर्मल स्कूप है, ये आई थिंक एज इट इज एटम का, ये डब्बा अलग है, बिग मसल का है, वो बेकार प्रोटीन है वो, लेकिन इसके अंदर जो डाला हुआ है वो एक्चुअल में एज इट इज एटम है, वो डब्बा थोड़ा पैकेट थोड़ा फट गया था तो इसमें डाल दिए, तो उसका स्कूप है ये 25 grams के आसपास का स्कूप है। तो अगर मैं इसमें ओट्स डालूं, एक स्कूप में कुछ आसपास 30 grams के आसपास आ रहा है, 74 में चलेगा, तो एक स्कूप में ना 30 grams के आसपास ओट्स आ रहा है, तो उस हिसाब से आप मेजर भी कर सकते हो। उसके बाद ना आपको एक स्कूप हुए लेना है, फिर ना आप डालो उसमें केला डाल दो। केला को ना मैं ज्यादा स्टाइल वाइल में, मैंने वीडियो देखा है, मस्त वैसे स्लाइस वाइस करके डालते हैं, मैं ऐसे डाल देता हूँ, डालना ही है उसमें, क्या है खाना ही तो है। फिर उसके बाद ना आपको ये चम्मच गंदा हो गया, दो क्या था, 1/2 spoon पीनट बटर लेना है, थोड़े फैट्स अच्छे हैं, ज्यादा मत लेना अदरवाइज यू विल फील स्लगिश इन द जिम। तो उसके लिए ना मैं 1/2 spoon दे रहा हूँ यहाँ पे पीनट बटर। तो अभी ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको पानी मिलाना है बस अपने हिसाब से, जो कंसिस्टेंसी आपका, आप जो कंसिस्टेंसी चाहते हो उस हिसाब से ना पानी मिला देना इसमें, आपको कुक करना है। हाँ यहाँ पे ट्रिक है, मैं पहले ये सब चीज खाया करता था, मैं ना इनको ग्राइंड कर लेता था क्योंकि टाइम नहीं होता था, पढ़ाई वढ़ाई खा जाता, तो उसमें दिक्कत क्या होगा ना, रोट्स अगर आप ग्राइंड ब्लेंड करके पी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना डाइजेशन में टाइम लगता है उसमें। तो ये एग्जैक्ट मिल्क को अगर आप रॉ कंज्यूम कर रहे हो तो आपको 1.5 घंटा पहले इतना मिल्क कंज्यूम करना है। कुक्ड ओट्स होंगे तो मैं देखा कि वो जो पेट पे ना थोड़ा इजी होता है, मतलब उनको डाइजेस्ट वाइजेस्ट करना इजी होता है और मुझे जिम में अच्छा फील होता है, तो अपने अपने हिसाब से देख लो, मैं एग्जैक्टली ऐसे ही करता हूँ। तो अभी आओ मैं माइक्रोवेव पे दिखाता हूँ आपको कितना है। तो अभी माइक्रोवेव पे ना मैं नॉर्मल 900 पे लगा रहा हूँ इसको, अगेन ये कंपलसरी नहीं है माइक्रोवेव पे लगाना, तो आप इसको, मैं अभी 4 minutes के लिए लगा रहा हूँ, माइक्रोवेव कंपलसरी नहीं है, एनी हाउ ओट्स आपको बनाना है, तो
माइक्रोवेव पे बनाओ, जिसमें बनाओ। तो ये कंसिस्टेंसी आया है अभी ओट्स का, तो आप देख सकते हो ठीक हो गया थोड़ा। ये एग्जैक्टली आपको एक घंटा पहले लेना है। खाने में ना ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि आपको ना चीट मील जैसा फील होता है कि ये चीट है। अगर ऐसा कोई मील आपने ट्राई किया है और इससे अच्छा प्री वर्कआउट मील आपको पता है, काइंडली डू सजेस्ट इन द कमेंट बॉक्स। ये अगर आपको अच्छा लगा डू ट्राई, लिव इन द कमेंट्स, बोलो आपको ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। आई विल बी रियली ग्रेटफुल इफ यू पुट अ कमेंट डाउन बिलो। इफ यू शेयर दिस वीडियो, अच्छा लगा शेयर करो, लाइक करो, अच्छा नहीं लगा तो फीडबैक दो कमेंट में, आपको क्या चाहिए, क्या देखना है, क्या नहीं। सो सब्सक्राइब करो चैनल एंड या थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।